श्री राघव चड्ढा। सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस नई पारी के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका सफर, जीवन का सफर, एक बहुत बेहतरीन सफर रहा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपने कई संघर्षों का सामना किया और एक विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे और अब देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। हम जैसे लाखों युवाओं के लिए आपका जीवन, आपका करियर एक प्रेरणा स्रोत है सर। इसी के साथ साथ मैं एक कृषि प्रधान सूबे का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बन के इस सदन में आया हूं और ये मेरा मानना है कि क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपका परिवार सदैव से खेती और किसानी से जुड़ा रहा है, तो इस देश के किसानों के मुद्दे इस सदन में गूंजेंगे और उनके अधिकारों की बात होगी। इसी के साथ साथ सर, बीते कुछ हफ्तों में जब से आप उपराष्ट्रपति बने, आपने इस सदन के लगभग सारे सदस्यों से एक व्यक्तिगत रिश्ता सा बनाया है। मुझे भी सौभाग्य मिला 2-3 बार आपसे मिलने का और जो प्यार, जो स्नेह, जो वॉर्म्थ हमें आपसे मिली, मैं आज उसके आधार पर कह सकता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्य केवल पार्लियामेंट्री इश्यूज ही नहीं, बहुत सारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी आपसे डिस्कस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, यू आर दी एल्डेस्ट इन द हाउस। मैं सदन का सबसे कम उम्र का युवा सदस्य हूं, आई एम द यंगेस्ट इन द हाउस। तो जो परिवार का सबसे बड़ा होता है वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर, उसे ज्यादा प्यार देता है, उसे बोलने का ज्यादा मौका देता है, उसे ज्यादा इंटरवेंशन देता है, उसके 0 आवर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसके स्टार क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा। सर, आपको इस नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। दोज हुम आई लव एंड रेस्पेक्ट, दे सफर द मोस्ट।